हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब मस्त और तंदुरुस्त हैं। सो गाइस, मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में और आज की जो एक राइड है, मैं जा रहा हूँ एक काम से भाईंदर। मैं रहता हूँ कल्याण में, तो अराउंड 120-110 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है। तो मैं सोचा क्यों ना अभी मैं सिटी में चलाने वाला हूँ, तो आपको दिखा दूँ कि जो सिटी एवरेज है गाड़ी का, मेरी अल्ट्रासाइज चेंज कितना आ रहा है। तो मैंने हाईवे का बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसके पहले भी मैंने एक बनाया था, जब गाड़ी मैंने सबसे न्यू ली थी, जो पहला माइलेज आया था गाड़ी का, वो भी मैंने बनाया था, उसमें भी आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू। सो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको जानना है कि सिटी में अगर हम चला रहे हैं ऑफिस के लिए, तो कितना एवरेज जो है गाड़ी दे सकती है सिटी में बेस्ट। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे अगर मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे तो ये CNG से हट गई है गाड़ी, फ्यूल जो है बिल्कुल कम हो चुका है। सो फ्यूल का जो लास्ट पॉइंट है वो ब्लिंक हो रहा है, सॉरी। सो फ्यूल गेज का जो लास्ट पॉइंट है वो ब्लिंक हो रहा है, और CNG में दिखाया कि ये पेट्रोल मोड पे चालू करने के बाद एक पेट्रोल मोड पे आ गई, तो देर इज नो CNG इन द टैंक। मैं फुल कराता हूँ अभी थोड़ी देर में, और फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, जिस काम से जा रहा हूँ वो काम भी करके आऊँगा। क्या काम है वो भी अगर अच्छे से हो गया तो भी आपको बताऊँगा। सो मैं अभी CNG भराऊंगा, जैसे ऑन द वे पहला CNG मिलेगा वहाँ से भरा लूँगा, टैंक फुल करा के दिखाता हूँ कितना आया है, फिर अपन पूरा दिन गाड़ी में बैठ चलाने वाले हैं। फिर एंड ऑफ द डे मालूम पड़ेगा कि घर आने तक कितना माइलेज है, टैंक लास्ट भी करता है कि नहीं करता है, पूरा जो मेरा 110-120 का जो जर्नी है वो कवर भी होती है कि नहीं फुल टैंक से, वो भी पता चल जाएगा। सो गाइस, CNG मैंने टैंक में फुल करवा दिया है, पिछले दो बार की तरह 8.8 ही गया फॉर द थर्ड टाइम। सिर्फ एक ही बार जो है टैंक में 9.1 kg गया था, जब मैंने शिरडी से वापस आया था, और तब उसमें जो है ज़्यादा गैस गया था, तो अभी 8.8 गया है। तो मैं आपको जो है ये वाला हम लोग रीसेट कर देते हैं, ताकि एंड ऑफ द डे पता चले कि क्या स्टेटस रहा है। सो ट्रिप मैंने कर दिया ज़ीरो, अभी मेरे को ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो मैं कैमरा लगा देता हूँ डैशबोर्ड पे, और आप थोड़ा सीन देख लो, फिर जैसे मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा और कि कितना चला है, जैसे जैसे फ्यूल कम हो जाएगा फ्यूल गेज में, और फ्यूल गेज आप देखोगे तो फिर से आ चुका है, अभी गाड़ी भी ऑन है और CNG मोड पे है ऑलरेडी। सो आई एल स्टार्ट नाउ, और फिर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कितना जो चल रहा है एवरेज आ रहा है, और कितना फ्यूल कम होते जा रहा है। सो गाइज, राइड बहुत मस्त चल रही है, मैंने आपको सीन्स दिखाए, और मैं आपको जो रोड का है थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ सके किस तरह का रोड है, ट्रैफिक भी है, बीच बीच में खाली भी है, बट ऐसा लगा, आपको लगे कि रोड बड़े हाईवे जैसा है तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको टाइम बताऊँगा। तो मुझे अभी सिर्फ 35 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है, और मैं आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूँ कि जो फ्यूल गेज का फर्स्ट पॉइंट है वो चले गए, अभी 4 पॉइंट बचे, और अभी तक 35 किलोमीटर्स हुआ है, और CNG में चल रहा है, और जो AC है वो कंटिन्यूसली ऑन है, क्योंकि आप बाहर देख सकते हो कड़ी धूप है, तो गर्मी काफ़ी हो रही है, तो इसलिए AC कंटिन्यू ऑन है। तो मैं रोड का आपको ऐसा कह रहा था कि हम लोग को यहाँ पे पहुँचने में लगभग 1.5 घंटे लगे हैं 35 किलोमीटर्स के लिए, सो विच मीन्स कि रास्ते इतने अच्छे नहीं है और स्पीड भी नहीं मिल रही, सो इट इज़ लाइक एक सिटी से आप दूसरे सिटी जा रहे हैं, तो बीच में जो हाईवे आता है वैसा ही है। सो टाइम काफ़ी लग रहा है, इसलिए स्पीड काफ़ी कम है, बट एवरेज के हिसाब से गाड़ी अभी भी अच्छा एवरेज दे रही है।
तो आगे और कितना चलता है मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि रोड कैसे, ताकि अगर आपको जिसको डिटेल में समझना है कि हमारे यहाँ पे रोड ऐसे हैं, हम लोग ऑफिस अगर जा रहे हैं तो किस तरह का रोड आने वाला है, तो किस तरह के माइलेज आप गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस रीज़न से जो है रोड वगैरह के सीन्स में ज़्यादा दिखा रहा हूँ। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, जैसे और कम होगा फिर मैं आपको अपडेट दूंगा, या तो पहुँचने के बाद अपडेट दूंगा, और फिर एंड में पता चलेगा कि जो फाइनल माइलेज आया वो कितना है गाड़ी से। A few moments later. So guys, जहाँ पे काम था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। उसके बाद जो मैंने अपना काम था वो भी कर लिया है। तो काम क्या था कि मेरा जो GoPro Hero था जिससे मैं अब तक रिकॉर्ड कर रहा था, वो बीच बीच में जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, फॉल्टी हो गया था, कुछ तो इशू उसमें आ गया था, मोस्टली बैटरी का इशू था। तो वो रिप्लेस करके मैंने ये न्यू कैमरा ले लिया और मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इंस्टा 360 कैमरा X3, तो मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको लगे अच्छा है वीडियो क्वालिटी या नहीं अच्छा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो फिर अगर GoPro की कमी लग रही है तो होपफुली ऐसा ना हो। तो अभी जो आगे आपको व्यू देखने मिलेंगे वो थोड़ा और अच्छे देखने मिलेंगे, क्योंकि मैं जाते जाते इसको टेस्ट करने वाला हूँ कि कैसे आ रहे, फिर घर जाके एडिट करूँगा तो मैं भी एंजॉय करूँगा और आप भी वीडियो में आगे एंजॉय करना। अभी गाड़ी का जो अपडेट है रनिंग, हम लोग यहाँ तक आए थे तो 48.2 किलोमीटर हुआ है, और जो यहाँ पे पेट्रोल का आप देखोगे तो अभी तक एक ही पॉइंट जो मैंने पहले दिखाया कम हुआ था, 48 किलोमीटर्स अब तक हो चुका है, और मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो अराउंड 54 किलोमीटर्स दिखा रहा है मैं दूसरे रूट से जाने वाला हूँ। तो आई विल क्रॉस 100, बट मुझे लग रहा है एवरेज और अच्छा आने वाला है। ऑल अपडेट फ्यू मिनट्स बैक, और थोड़े किलोमीटर पहले ही मैंने दिखाया था कि 48 किलोमीटर जो है वन साइड हमने जर्नी कंप्लीट की थी और हम लोग निकले थे। तो फ्यूल गेज जो है अभी आप देख सकते हो, दो पॉइंट और गिर चुका है, दो पॉइंट टोटल गिर चुका है और बाकी तीन पॉइंट बचे हैं। और डिस्टेंस जो हुआ है जब से हमने सुबह ट्रिप किया था, इट्स 53.6। तो अभी तक आई थिंक कि डिसेंट इज क्वाइट डिसेंट, बट लेट्स सी कैसा आता है। तो साथ में इसको जो हमने नया कैमरा लिया, इसको माउंट किया, इसके पर रिकॉर्डिंग चालू है, तो होपफुली जो वीडियो आ रहे हैं होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करना, तो मुझे पता चलेगा भाई ये कैमरा काम का है कि नहीं। सो कंटिन्यू करते हैं और आगे फिर से आपको अपडेट देता हूं। कई 10 मिनट का ब्रेक लिया था हम लोग ने, थोड़ा खा ली और चाय पी लिया है। तो और जो स्टेटस है लगभग सेम ही है, 61 किलोमीटर्स अभी तक हुआ है और यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स कम हो गए हैं फ्यूल के। सो ज़्यादा चलाया नहीं, मैंने जो पिछली बार अपडेट दिया था उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर के आसपास ही चलाया। तो फिर से निकलता हूँ मैं और आगे आपको अपडेट देता रहता हूँ। Perfect point.
सो गाइस सीएनजी गाड़ी में डलवा दिया है। मैं पंप के बाहर ही खड़ा हूँ अभी, तो सोचा आपके आपको दिखा दूँ कि अभी टोटल जो है रनिंग 104.5 हुआ है और टैंक जो है फुल पे आ गया है वापस से। और ₹430 का जो है सीएनजी आया था। सो 104.5 इज द किलोमीटर जो मैंने मॉर्निंग में गाड़ी चलाई है सीएनजी भरवाने के बाद से लेके और अभी जो सीएनजी रिफ्यूल किया तब तक। तो अभी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, और आपने देखा इसके पहले वाला वीडियो कि जो सीएनजी गैस फिर से टैंक में गया था वो है 5.45 केजी, तो हम लोग उसको 5.5 कंसिडर कर लेते हैं। सो 104.5 अगर मैं 5.5 से डिवाइड करता हूँ तो ऑलमोस्ट 19 इज़ द फिगर, तो 19 का एवरेज आया है। तो नाउ आई थिंक कि माइलेज जो है काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जितना पॉसिबल है हर तरह का रोड का स्नैप क्लिप निकाल के इसमें डाला है ताकि आप देख सको और समझो कि किस तरह रोड था और किस तरह गाड़ी स्पीड में थी। कोई कोई रोड काफ़ी ख़राब थे, कुछ रोड अच्छे भी थे, कुछ इंटरसिटी भी थे। जैसे अभी मैं एक सिटी से दूसरे सिटी गया था, मैं कल्याण में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं बाइंदर गया था, बचे 60 किलोमीटर्स अवे, 55 अराउंड, तो इतनी दूर तक गया था। तो सारे रोड्स थे, कुछ कुछ ख़राब भी थे, और मॉर्निंग टाइम के वैसे कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा थी जब मैं प्रॉपर सिटी छोड़ रहा हूँ। बीच में नॉर्मल इंटरसिटी वाला ट्रैफिक था और कहीं पे रोड काफ़ी अच्छे थे, कहीं पे रोड जो है ओके कंडीशन में थे। तो जो जो पॉसिबल है मैंने वो डाला है। सो कैसे अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं पूरा टैंक जो है सिटी में ख़त्म कर दूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसा पॉसिबल नहीं है। सो इट्स द इंटर सिटी इज़ द ओनली राइड जो हम करके माइलेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो विल मेक सेंस फॉर दोज एंड उनको ज़्यादा यूजफुल रहेगा जो ये गाड़ी अगर अपने डेली रूटीन के हिसाब से लेने कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो ऑफिस के लिए अपने बिजनेस के लिए डेली ट्रैवल करते हैं और उनका रनिंग 80, 100, 120 plus है, और जो खास करके इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं। तो अभी मुझे 19 का एवरेज आया है, रोड्स का मैंने बताया जितना पॉसिबल था, मैंने सारी क्लिप्स डाली है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि रोड ओवरऑल अच्छे ही थे, ट्रैफिक कंटिन्यूसली था। आई थिंक इट वुड बी अराउंड 105 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स, 15-20 किलोमीटर ऐसा होगा कि प्रॉपर हाईवे था, मैं अराउंड 55-60 पे चला पाया। उसके अलावा कंटिन्यूसली मूविंग ट्रैफिक था और जो प्रॉपर सिटी हाईवे पे होता है वैसा था। सो गाड़ी आराम से 40-50 चल रही थी, ना उसके नीचे चल रही थी ना उसके ऊपर चल रही थी। प्रॉपर जहाँ पे सिटी था वहाँ पे तो आपको पता ही है गाड़ी 10-20 की स्पीड में चल रही थी। सो दैट इज़ ऑल, इतना ही था ये वीडियो में बताने के लिए। तो मैं फिर से बता दूँ कि 5.45 केजी का गैस इसमें फिर से गया मॉर्निंग में डलवाने के बाद से। हमने 104.5 चलाया एंड द फिगर इज 19 का एवरेज आया पर केजी के हिसाब से। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैंने। सो मैंने आपको बताया कि मैं अपने लिए नया कैमरा लेने गया था 360 डिग्री वाला इंस्टा का, जो मैंने यहाँ पे माउंट किया है। गोप्रो कैमरा मैंने दे दिया है, एक्सचेंज कर दिया, और इसके बदले में ये लिए ऊपर से पैसे देके। सो क्या डील थी उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो भी चेक कर लेना। कुछ भी है अगर आपको डाउट्स या क्वेश्चंस तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। सो गाइज अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। Thanks for watching. Stay safe, ride safe. Bye bye.